आखने जोर छुपैने जोर जोर न मंगने देन न जोर जोर न जीवन मरण न जोर जोर न राज माल मन सोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुटे संसार जिस हथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए। जपजी साहब की यह पौड़ी एक अदुत्ती पौड़ी है। इतरा पत पौड़ियां चढ़े होए अकीस जप जप करके पौड़ियां ते चढ़ के मनुख किथे पहुंचता है यह पौड़ी दसती है। इस पौड़ी तक पहुंचद्या पहुंचद्या मनुख की सुरत नूं यह बोध होंदा है कि जिस हथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए। एक गल स्पष्ट हो जाती है कि परमात्मा एक जोर है ताकत है शक्ति है। इस गल का भी बोध होंदा है कि मैं झूठ हां तू सच है मेरी मनोत मेरी होंद झूठ है मेरा मनना झूठ है तू ही है तू ही है मैं ही सब तो वड्डी दीवार है। इत्थों ही सतगुरां ने गल आरंभ कीती सी कि क्यों सचियारा होइए क्यों कूड़े टुटे पाल किवें झूठ दी पाल टुटे किवें मैं दी कंध टुटे ते किवें तू दी प्राप्ति होवे। तू की है एक ताकत सर्वशक्तिमान। इत्थे आके गल गुरमत स्पष्ट कर दिए कि परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं एक परम शक्ति है। वो शक्ति की है और किन्नी क है जपजी साहब च यह भी इशारा सतगुरदेव जी महाराज कर गए ने कि केता तान सवालियो रूप किन्ना क तान है कितनी क शक्ति है किसते कोल कुवत है कौन अंदाजा लावे कौन तकड़ी ते तोले कौन इस शक्ति नु नापे उस असीम नु किस तरह सीमित करे कोई। साहिब कहंदे ने इह औखी गल है। तो इस पावन पवित्र पौड़ी विच महाराज कहंदे ने जप तप करके सुरत जद शिखर ते पहुंच दिए ते एक गल स्पष्ट हो जांदी है कि सब कुछ हो रहा है कीता नहीं जा रहा। जैसे कि नबज चल रही है चलाई नहीं जा रही श्वास चल रहे ने चलाए नहीं जा रहे सब कुछ हो रहा है कीता नहीं जा रहा। कीता जा रहा है या मैं कर रहा ये मेरी होंग ये मैं ये झूठ है हो रहा है सब कुछ हो रहा है। लेकिन बोध तो बिना ज्ञान तो बिना अनुभव तो बिना ऐसा कहना कि सब कुछ हो रहा है कीता नहीं जा रहा ये भी एक झूठ है। उस अनुभव दे होए बिना ऐसा कहना कि तू ही है मैं नहीं हाँ दरअसलो तू ही कहने विच भी कोई रस नहीं होवेगा वो भी कहना गलत होवेगा। तो सुरत जद बुलंदियां नूं छूंदी है तो उसनों एक गल स्पष्ट दिखाई दे जाती है कि जैसे कोई बच्चा अपनी जवानी नूं रोकना चाहे नहीं रोक सकता कोई जवान बुढ़ेपे नूं रोकना चाहे नहीं रोक सकता कोई बुढ़ा मौत नूं रोकना चाहे नहीं रोक सकता। तो एक गल स्पष्ट हो गई हो रहा सब कुछ कीता नहीं जा रहा। जीवन दे इतने वड्डे पड़ाव बचपना जवानी बुढ़ेपा जन्म ते मरण जद मेरे हाथ दे च नहीं तां भगत कह उठदा है कुछ भी मेरे हाथ दे च नहीं। इन्नी महान घटना जिस तो मैं लंघ रहा ये मेरे हाथ दे च नहीं मैं तो एक नदी दे वहण दी तरह। यह गल वखरी है कि नदी माण नाल आखे मैं चल रही हाँ और सागर नूं मैं मिलना है मैं उसकी तलाश कर रही हाँ नहीं ये वहण सुभाविक है
नदी अपने आप नूं रोक ही नहीं सकती, रोक लवे ते छप्पड़ हो जाएगी, रोक लवे ते गंदी हो जाएगी, रोक लवे ते खत्म हो जाएगी और रोक भी नहीं सकती। इहदा वहण जारी रहेगा और वहण दा जो नियम परिपूर्ण परमात्मा ने बना दिता है कि निवाण की तरफ होवेगा तो निवाण की तरफ ही वगदा रहेगा। यह गल वखरी है कि नदी आखे मैं अपने आप निवाण की तरफ वग रही हाँ, मैं खुद सागर की तलाश कर रही हाँ, नहीं। एक गैबी नियम जो पिछे काम कर रहा है वो निवाण की तरफ पानी नूं तोड़ रहा है और सागर तक पानी नूं पहुंचा रहा है। हू बहु ये जो जीवन की धारा है, ये अनंत जिंदगियां दे जो दरिया चल रहे हैं, दरअसल ये भी चल ही रहे हैं। ये गल वखरी है कि जीवन का दरिया कह सकता है कि मैं खुद चल रहा हूं, क्योंकि प्रभु ने एक रसना दे दी है, दिमाग दे दिता है, दिल दे दिता है। तो जीवन धारा कह सकती है मैं खुद तलाश कर रही हूं धन नूं, संपदा नूं, सुख शांति परमात्मा, और मैं अपना केंद्र ये सब कुछ मैं खुद तलाश कर रही हूं। पर साहिब कहने नहीं, सिमरन करद्या करद्या एक बोध मिलता है और मनुख कह देता है नहीं हो रहा है, सब कुछ कीता नहीं जा रहा। अगर मेरे हाथ दे कुछ है तो गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने कि इसके हाथ होए तो सब किछ ले, अज्ञानी मन रोस करे। अगर वाकई मनुख दे हाथ दे ही सब कुछ है तो फिर सब कुछ मनुख दे हत्थां दे होना चाहिए है, सब कुछ मनुख दे हत्थां दे नहीं है। यह गल वखरी है कि मनुख दावा कर सकता है सब कुछ मेरी मुट्ठी दे है, भावे मुट्ठी दे कुछ भी ना हो, खाली है मुट्ठी, हत्थां दे कुछ नहीं है, ता भी दावे ते कीते जा सकते ने। इस पौड़ी दे कुछ इस ढंग दा बोध गुरु नानक देव जी महाराज कराते ने, जिसकी मूल पंक्ति है, जिस हथ जोर कर वेखै सोए। जे कोई माण नाल आखे कि नहीं मेरा जोर कम कर रहा है और मैं जोर नाल बहुत कुछ कर सकदा, तो साहब कहते ने कोई करके दिखाए। जिस हथ जोर कर वेखै सोए, जिहड़ा आखे मेरे हथ दे च जोर है करके वेख लवे की कर सकता है। महाराज गल इथों आरंभ करदे ने, आखण जोर चुपे नहीं जोर। बोलण दे च वी मनुख दा जोर नहीं ते चुप रहण दे च वी मनुख दी ताकत कम नहीं कर रही, परिपूर्ण परमात्मा दी शक्ति कम कर रही है। अक्सर ऐसा देखण दे च आया है मनुख पश्चाताप कर रहा हुंदा है, ऐ गल मैनू नहीं आखनी चाहीदी सी, मैं कह बैठा, वो जो कह बैठा है उसका अफसोस है। और ऐसा भी दिखाई देता है कई दफा मनुख कह देता है, ऐ गल मैनू आखनी चाहीदी सी, मैं क्यों नहीं आखी, मैं चुप रह गया। महाराज कहने नहीं, एक अगम्मी शक्ति कम कर रही है तेरे चुप रहण दे च, तेरे बोलण दे च। और उंज भी रसना उदी शक्ति नाल बोल रही है, ते जिदी शक्ति नाल रसना बोल रही है ये उसका बखान किस तरह करेगी। साडा दिमाग जिदी शक्ति नाल सोच रहा है ये पूर्ण तौर तो उसनू किस तरह सोच सकेगा। कृत्य करते दा पूर्ण रूप दे च किस ढंग नाल बखान करेगी। तो महाराज कहिंदे ने बोलण दे च ते चुप रहण दे च मनुख की समर्था मनुख की शक्ति कम नहीं कर रही, ये परिपूर्ण परमात्मा की शक्ति है। ये जोर उसदा है, उसके जोर नाल असी बोल रहे हैं, उसके जोर नाल चुप कर जाने हैं। या इंज कह लो कि श्वास चल रहे ने, बोल रहे हैं, उदी ही शक्ति उदी ही ताकत। पर अज बंदा खामोश हो गया, बिल्कुल खामोश, चुप हो गया, इहदे च भी उदी शक्ति है। साहब अगे इसका खुलासा करते हैं, जोर ना मंगण देन ना जोर। अक्सर ऐसा देखने दे चाया है कि मंगत्या नू अफसोस होता है, मैं क्यों मंग रहा, और मंग मंग के मेरे जहन ते मेरी जमीर ते बोझ पै रहा है, लेकिन मंगना बंद नहीं होता। जापदा है
ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਬੇਖਾਰੀ ਜੀ ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿੜਾਣਾ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੇ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਦਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਮੰਗਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਤੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਔਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਤੂੰ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਤਹੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ ਕੇ ਚੇਤਨਾ ਕੋ ਚਾਰ ਕੀਓ, ਕਤਹੂੰ ਅਚਿੰਤ ਹੋਏ ਕੇ ਸੋਵਤ ਅਚੇਤ ਹੋ, ਕਤਹੂੰ ਬਿਖਾਰੀ ਹੋਏ ਕੇ ਮੰਗਤ ਫਿਰਤ ਬੀਖ, ਕਹੂੰ ਮਹਾਦਾਨ ਹੋਏ ਕੇ ਮੰਗਿਓ ਧਨ ਦੇਤ ਹੋ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਬਿਖਾਰੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ, ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗਾ ਦਾਨ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੇਣ ਦੇ ਚ ਇਹ ਮੰਗਣ ਦੇ ਚ ਤੇਰਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜ਼ੋਰ। ਅਕਸਰ ਐਸਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇ ਬੈਠਾ। ਤੂੰ ਦੇ ਬੈਠਾ ਤੂੰ, ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ੋਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਔਰ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਖ ਸਮਝਾਓ ਮੰਗਤਾ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਔਰ ਲੱਖ ਸਮਝਾਓ ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਬਦਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਈਏ ਬਰਸੋ ਹੀ ਨਾ, ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਈਏ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾ ਵੰਡੋ, ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਈਏ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਕ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਵੰਡਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਹ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਦਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ, ਚੰਦਨ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਚੰਦਨ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਲੁਟਾਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਬਰਸਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਜਗਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਰ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੰਡਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਐਸਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਚ ਆਇਆ, ਵੰਡਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਇਹ ਆਖ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਸਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਇਹ ਆਖ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਸਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੰਗਤੇ ਤੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਝ ਤੇ ਸਮਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਬੇਖਾਰੀ ਜੀ ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਹੀ ਬਿਖਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮਹਾਦਾਨੀ ਹੋ ਕੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਰਿਹਾ। ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜ਼ੋਰ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਾ ਜ਼ੋਰ। ਜਨਮ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਚ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਗਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੁਖਸਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਸਤਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜਨਮ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮਰਨਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੀਏ ਅਸੀਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਨ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਣਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਢਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਢਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਲੀਪਾ ਪੋਥੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਰੰਗ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹੀ ਨਕਸ਼ ਨਿਗਾਰ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਵਾਂ, ਤੇਰਾ ਨਕਸ਼ ਨਿਗਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਵਾਂ, ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਵਾਂ,
उस महान मामार ने जिस ढंग दे नाल जिंदगी दा मकान बनाना सी बना दिता है। महाराज कहिंदे ने जन्म दे तेरे जोर ने कम नहीं कीता, तू अपनी मर्जी दे मुताबिक जगत ते आया नहीं, इतनी वड्डी घटना तेरे हत्थां च नहीं। और याद रख दूजी सब तो वड्डी घटना, क्योंकि जन्म दा दूसरा सिरा है मरण, वो भी तेरे हाथ च नहीं। और जन्म ते मरण दे विचकार है जीवना, ये भी तेरे हाथ दे च नहीं। जप तप करके, सत्संग करके, बाणी पढ़ के, अभ्यास करके इस गल दी समझ आ जाए ते समझ लो उस मनुख ने जीवन दी शिखरता नु छू लिया। तो महाराज कहंदे ने जोर न मंगण देन न जोर, जोर न जीवन मरण न जोर, जोर न राज माल मन सोर। मन दे च ए राज माल दा धन संपदा दा जो शोर शराबा है, मेरे कुल ए चीज होवे, मेरे कुल ओ वस्तु होवे, मेरे कुल ओ होना चाहिदा है, मेरे कुल ओ होना चाहिदा है। अभ्यासी बंदे नु समझ पै जांदी है इहदे च वी मेरी शक्ति कम नहीं कर रही, मेरा जोर नहीं है, मैं अपने जोर नाल नहीं कर रहा, यह भी प्रभु दा जोर है। अगर इस तरह दा शोर शराबा लोकां दे मन दे च परिपूर्ण परमात्मा ना पैदा करदा ते जगत दे च कुछ बनना भी नहीं सी। ये ठीक है कि संतोष एक बहुत वड्डी दौलत है, बहुत वड्डी दौलत है, लेकिन तृष्णा ते असंतोष भी कुछ घट नहीं है, उसने मनुख नूं तामीर करन दिते मजबूर कीता है। ये ठीक है कि फुल अत्यंत खूबसूरत ने और कीमती ने, लेकिन यह भी मनना पड़ेगा कि खाद भी नकारा नहीं है, जो बदबूदार है, गंदी है, उन्हां करके ही फुल खिड़दे ने। यह ठीक है कि फुल कोमल ने, लेकिन यह भी नहीं भुलना चाहिए कि उन्हां दा बीज बड़ा कठोर है, बहुत कठोर है। इस गल दी जब अभ्यासी नूं समझ पै जांदी है कि तृष्णा तो संतोख पैदा हुंदा है, क्रोध तो निर्माणता जन्म लैंदी है, लोभ तो दान दियां बिरतियां उजागर होंदियां ने, झूठ दे बोझ तो तंग आके ही सच्चाई दा जन्म आउंदा है, और सिमरन दी शिखरता अगर ए बोध करा देवे तो समझ लो सिमरन दा फल मनुख दी झोली रच पै गया। महाराज कहंदे ने जोर ना राज माल मन शोर। मन दे च जो ए राज माल दा शोर है, धन संपदा दा शोर है, मेरे कुल ए चाहिदा है, मेरे कुल ए चाहिदा है, महाराज कहंदे ने ए भी मनुख अपनी मर्जी दे नाल शोर समाप्त नहीं कर सकदा, खामोश नहीं हो सकदा, चलदा ही रहेगा, ए भी चलदा ही रहेगा। जोर ना सुरती ज्ञान विचार। मन दी कागरता देते भी मनुख दा अपना जोर नहीं है, बंदा ए चाहे कि मैं अपनी ताकत दे नाल अज मन नू टिका लेना है, एकागर कर लेना है, साहिब कहिंदे ने ऐसा नहीं हो सकता। मनुख जोर दे नाल ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता अपनी ताकत नाल, और ना ही परमात्मा दी जिहड़ी विचार है ए शक्ति नाल जोर नाल प्राप्त कीती जा सकती है। साहिब कहिंदे ने इह तक दात है, मनुख दे जोर तो परे दी गल है, क्यों कि मनुख दे कुल जो जन्म ते मरण है उदे उते इसका जोर नहीं, ते बाकी किस क्रिया दे ते इसका जोर चलेगा। इस वास्ते साहिब कहंदे ने जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटे संसार। उक्तियां ते जुगतियां दे च भी मनुख दा अपना जोर कम नहीं करदा, वरना हर बंदा उगतियां ते जुगतियां नूं हासिल करके ते संसार दे बंधना तो छुट जांदा। देखण दे च आया है एक घर बार नूं त्याग देंदा है, लेकिन आश्रम बना देंदा है। घर दा बंधन टुटिया, आश्रम दा बंधन पै गया। परिवार दा बंधन टुटिया, चेलियां दा बंधन पै गया। लोक दा बंधन टुटिया, परलोक दा बंधन पै गया। और लोक दे शराब नहीं पीनी, पर लोक दे सोमरस पियांगे। लोक दे सदाचारी बनना है ताकि परलोक दे च अपसरां दे नाल नृत्य कर सकीए और परियां दी महफिल दे च बैठ सकीए। इकबाल ने इत्थे आके कह दिता है, कहां ले जाऊं दिल दोनों जहां में इसकी मुश्किल है, यहां परियों का मजमा है वहां हूरों की महफिल है। मनुख दी कल्पना ते देखो,
इत्थे सदाचारी इस वास्ते बनना चाहता है कि परलोक विच दुराचारी हो सके। इत्थे शराब दे जाम नूं इस वास्ते तोड़ना चाहता है कि उत्थे अंगूरी शराब दे चश्मियां विच ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਧਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਛੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਚਨ ਦੇ ਮਹਿਲ ਜੋ ਹੀਰੇ ਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੜਤ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਇਰ ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਹੋਰੋ ਗਿਲਮਾ ਇਵਜ਼ੇ ਤਾਇਤ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰਗਾ ਇਨਹੀ ਬਾਤੋਂ ਸੇ ਐ ਵਾਇਜ਼ ਜ਼ਈਫ ਇਮਾਨ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਐ ਵਾਇਜ਼ ईमान नूं ज़ईफ कर छड़िया, कमजोर कर छड़िया। नमाज पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, खुदा दी बंदगी कर रहे हैं, मैज़े स्वास्ते के हूरा मिलन, अंगूरी शराब मिले, जन्नत दे गलमा मिलन, धन संपदा मिले, तू ते परलोक नूं भी बाजार बना दिता। तू ते ईमान नूं भी ज़ईफ कर छड़िया, कमजोर कर छड़िया। तो देखण दे चाया है कि मनुख कई दफा लोक नूं छड्डण दी कोशिश करदा है पर लोक दे बंधन पै जांदे ने। बच्चियां नूं छड्ड देंदा है चेलियां दे बंधन पै जांदे ने। घर नूं छड्ड देंदा है आश्रम दे बंधन पै जांदे ने। इत्थे इक स्त्री छड्ड देंदा है उत्थे हूरां दे बंधन, कल्पना दी हूरां दे बंधन अपने आले दुआले सहेड़ लैंदा है। और सियाणे दार्शनिक लोगां ने कह दिता है कि इह वी मनुख दी वासना है कि जो कुछ लोक विच नहीं मिल सकिया, नहीं प्राप्त हो सकदा, उन्हों परलोक देच प्राप्त किया जाए। गालिब ने तदी ते तनजी ले कह दिता है, हम जानते हैं जन्नत की हकीकत को लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो साहब कहने जोर न जुगती छुटे संसार, मनुख अपनी युक्ति दे नाल संसार दे बंधन तोड़ नहीं सकता। देखण दे चाया जिन्होंने दावे नाल संसार दे बंधन तोड़े उन्होंने परलोक दे बंधन अपने पैरां च पा लै और पहले नालों भी ज्यादा द्रिफ्त विच आ गए, पकड़ विच आ गए। महाराज कहिंदे नहीं, इहदे च भी मनुख दा जोर कम नहीं कर सकदा। और मनुख अपने जोर दे नाल उगतियां युक्तियां हासिल करके जगत दे बंधन तोड़ नहीं सकदा। महाराज कहिंदे अगर कोई मनुख दावा करे कि मैं अपनी बौद्धिक शक्ति दे नाल, शरीरक बल दे नाल सब कुछ हासिल कर सकदा, साहिब कहिंदे जिस हथ जोर कर वेखै सोए है। किसी कोल जोर ते करके वेख लवे, मैनू दिखा देवे कि जोर नाल कोई ज्ञानी बन सकदा है, जोर नाल कोई भगत बन सकदा है, जोर नाल अपना कोई रंग रूप मनुख बदल सकदा है, जोर नाल कोई मनुख अपना सुभाव बदल सकदा है, या जोर दे नाल जन्म ते मरण दे बंधन दे ये जड़े गेड़े ने इन्हां नूं तोड़ सकदा है। साहिब कहिंदे ने सब कुछ दे जे मनुख दा जोर नहीं कम कर रहा ते ऐ मनुख तू उस अनुभव नूं प्राप्त कर जिस दा जोर सब थाई ते चल रहा है ते जिस दे जोर दे नाल सब कुछ हो रहा है। जिस हथ जोर कर वेखे सोए है किसे दे हथां दे जोर तां फिर ओ अपने जोर दे नाल प्राप्त कर लवे। साहिब कहिंदे ने किसे दे हथ दे च वी इस ढंग दा जोर नहीं है। नानक उत्तम नीच ना कोए, जद इस गल दी समझ पैंदी है कि जोर ते परमात्मा दा है तां मनुख कह उठदा है कोई उत्तम नहीं कोई नीच नहीं। खाद गंदी जरूर है, बदबूदार जरूर है, पर ए ना होवे ते सुगंधित फुल्लां दा जन्म नहीं होंदा। इस वास्ते कोई उत्तम नहीं कोई नीच नहीं, कोई छोटा नहीं कोई वड्डा नहीं। इस तरह की भाव दशा जिस दिन बनती है उसे नूं कहिंदे ने इह भगत है, इह ब्रह्म ज्ञानी है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे वाक, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए प्रणवत नानक तारे सोए। असी चंगे नहीं हाँ ते जगत विच कोई बुरा नहीं है। कोई बुरा दिखाई दे रहा है ते अपने आप नूं मनुख चंगा समझ रहा है, इनू कहिंदे ने संसारी बिरती। कोई चंगा नहीं है कोई उत्तम नहीं है कोई छोटा नहीं है कोई वड्डा नहीं है कोई चेला नहीं है कोई ठाकर नहीं है, सब समान ने। इनू कहिंदे ने ब्रह्म दृष्टि, अकाल दृष्टि। हुण इनू सच दी समझ पै गई है। पर कुछ बुरा बुरा दिखाई दे रहा है तो ऐसा कि मनुख दे अंदर अजे बुराई पई है। वो अंदर दी बुराई दरअसल बाहर प्रगट हो रही है।
जिस दे आसरे ते जगत दे अनेकाई बुराइयां ते खामियां दिखाई दे रही ने। उर्दू दे प्रसिद्ध दार्शनिक कवि ते आखरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर दा ऐसा कहना है, जब ना थी अपने गुनाहों की खबर, देखते थे दुनिया के ऐबो हुनर, जब अपने गुनाहों पे पड़ी निगाह तो जहां में कोई बुरा ना रहा। जफर आदमी उसको ना जानिएगा, हो वो कितना ही आलम फैजो जका, जिसे ऐश में याद खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफे खुदा ना रहा। जफर कहंदे ने, जितने चिर तक मैं देखदा सी जगत विच ऐ बुरा है, ऐ बुरा है, ए ऐबी है, ए दोखी है, ए नीवा है, ए नीच है, उतने चिर तक मैं अपने आप नू वेखण विच असमर्थ रहा। ते जिस दिन मैं अपनियां खामियां वेखियां, अपनियां बुराइयां वेखियां, ते मैनू पता चलिया कि मैं अपनियां बुराइयां करके जगत नू बुरा बुरा वेख रहा, अपनियां बदियां करके जगत नू बुरा बुरा ते बद वेख रहा। संसार विच बदियां दिखाई दे रही ने, ऐ मनुख तू बुरा है, तू बद है। जिस दिन मनुख नेक हो जाता है, जिस दिन मनुख का हिरदा साफ हो जाता है, पवित्र हो जाता है, उस दिन मनुख कह उठता है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। उस दिन मनुख की रसना तो ये वाक निकलते ने, सवे घट राम बोले, राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। उस दिन मनुख दी जबान चो मधुर वाक निकल देने, फरीदा खालिक खलक, खलक वसेर अब माए, ए मंदा किसनु आखिए, जा तिस बिन कोई ना है। बाबा फरीद कहने, में किसनु बुरा आखा, सब खुदा है, सब अकाल है, सब परिपूर्ण परमात्मा है। बाबा फरीद आप कह देने, भावे जगत मैनू फकीर फकीर कह रहे है, पर मैं फकीर नहीं हाँ, मैं ते गुनाह नाल भरिया होया, काले मैडे कपड़े, काला मैडा वेश, गुन ही भरिया मैं फिरां, लोक कहन दरवेश। ए दृष्टि दरवेश दी है, ए दृष्टि भगत दी है, ए दृष्टि संत दी है। वो कह उठदा है कि मेरे हाथ विच कुछ नहीं है। इस अवस्था तक जो पहुंचे है, यकीन जानो परमात्मा दे हत्थां दे चौंदा है। ते जिहड़ा कह देंदा है मेरे हाथ विच सब कुछ है, परमात्मा दे हत्थां तो दूर चला जांदा है, ते अपने हाथ भी खाली कर बैठता है। सिवाय दुख ते क्रूपता तो उसकी झोली दे च होर कुछ नहीं आता। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते हैं, जिस दिन मनुख इस अस्थान ते अपड़दा है कि मेरे हाथ दे च कुछ नहीं, उस दिन उसनू इस गल की समझ पैंदी है, नानक उत्तम नीच ना कोय, कोई उत्तम नहीं, कोई नीच नहीं, कोई नीवा नहीं, कोई वड्डा नहीं, कोई दाता नहीं, कोई मंगता नहीं, सब ईश्वर है, सब अकाल पुरख है, सब तो ही है, सब तो ही है। दरअसल ये अहंकार की भाषा है कि मैं हाँ, मैं हाँ, और ये निरंकार के बचन ने कि तू ही है, तू ही है, तू ही है। ये बोल जिस दिन रसना उच्चारण करे और हिरदे के गहरे तल तो निकलन, समझ लो मनुख परमात्मा विच लीन हो गया। राती रुती थिती वारे, पौन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती था प्रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंगे, तिनके नाम अनेक अनंते, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान, नदरी कर्म पवे निशान, कछ पकाई उथे पाए, नानक गया जा पे जाए। जपजी साहब विच आए पंच खंड अध्यात्मक मंडल दियां पंच अवस्था ने, चार अवस्था पड़ाव ने, ते पंजवी अवस्था मंजले मकसूद है। ते पंजवी अवस्था नू गुरु नानक देव जी महाराज ने सचखंड आख्या है। सचखंड वसे निरंकार, जिथे मनुख निरंकार दे चौंदा है, ते निरंकार मनुख दे चौंदा है।
आखिर हर मार्ग दे कुछ ना कुछ पड़ाव होंदे ने। हर मार्ग किसे थां तो शुरू होंदा है ते किसे थां ते उसका अंत होंदा है। जगत दे रहबरी पुरुषां ने मनुख दी सुरत दे जो पड़ाव गिने मिथे ने उन्हां संबंधी जानकारी साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपनी पावन रचना विच कराउंदे ने। और इतनी गल स्पष्ट है कि मार्ग सुरत दा है, मार्ग ध्यान दा है, मार्ग शरीर दा नहीं है। इस मार्ग ते शरीर ने नहीं चलना, इस मार्ग ते सुरत ने चलना है। इस मार्ग ते तन ने नहीं चलना, इस मार्ग ते मन ने चलना है। इस वास्ते धर्म दी समुची साधना मन दी साधना है, ना कि तन दी साधना है। सुरत दी साधना है, ना कि शरीर दी साधना है। तो जद सुरत ने जाना है गगन मंडल दे उस सच खंड वसे निरंकार तक, तो रस्ते दे पड़ावां दा साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने जिक्र किया है। साढ़े देश दे धर्म संबंधी जो कुछ तजर्बे किए गए उन्होंने दो पड़ाव दसे ने, ते तीसरी मंजले मकसूद। उपनिषदां दे ऋषि पहले पड़ाव नूं कहिंदे रहे ने कर्म कांड और दूसरे नूं कहिंदे रहे ने उपासना कांड और तीसरी मंजले मकसूद है, टिकाणा है, अस्थान है, जिन्हों उन्होंने आख्या ज्ञान कांड। ज्ञान कांड तक पहुंचना परमात्मा तक पहुंचना है। परमात्मा की प्रकाश ज्ञान की है प्रकाश। नाम जपत कोट सूर उजारा बिन से भरम अंधेरा। हूबहू इसे तरीके नाल इस्लाम दे महान बानी मोहम्मद साहब ने तीन पड़ाव दसे ने ते चौथी मंजिल दसी। प्रथम वह कहिंदे ने कि खुदा दे मार्ग ते चलना है ते यात्रा आरंभ करनी पेगी शरीयत तो, इत्थों ही कदम चुकना पेगा। पहले शरा दे च आउना है, फिर तरीकत कुछ तर्क करना है, त्याग दी दुनिया, तीसरी मारुफत दी दुनिया और चौथी हकीकत। जिसनों सच्चाई कहिंदे ने उन्हों अरबी दे च कहिंदे ने हकीकत, हक सच, हकीकत सच्चाई। गुरु नानक देव जी महाराज का कथन के सच तक पहुंचना परमात्मा तक पहुंचना है, मोहम्मद साहब का कहना हकीकत तक पहुंचना खुदा तक पहुंचना है, गल बिल्कुल एक है। इत्थे आके एक पंजाबी मुहावरा भी सिद्ध हो जाता है कि सौ सियाने इको मत मूर्खा आपो आपनी। सियाणिया ने दाना पुरुषा ने हमेशा उही गल करनी है जिदी बुनियाद सच आउंदी है, जिदे च उछाल सुगंधी गुण सच दे ही आउंदे ने। तो सच तक पहुंचना खुदा तक पहुंचना है, सच तक पहुंचना परमात्मा तक पहुंचना है। इस वास्ते जिथे बैठ के सत दा चिंतन होवे, सत दा ध्यान जोड़िया जाए, उस अस्थान नूं कहिंदे ने सत संग। उन्हां बंदियां दा इकट्ठ जो सत दी संगत करन आए ने, सत दी तलाश करन आए ने, ते जिदा सत नाल संबंध हो जांदा है उन्हों कहने ने सत संगी। ए ते सत दा संगी हो गया और सत दा संगी हो जाना परम शक्ति दा संगी, मूल दा संगी, और इंज कह लो उन्हों सब तो वड्डा मित्र मिल गया है जिदे समान होर कोई भी नहीं। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने चार पड़ाव दसे ने पंजवी मंजिले मकसूद। जिस तरह दो पड़ाव ते तीसरी मंजिल साढ़े देश दे प्राचीन सनातनी ऋषियां ने दसे ने, कर्म कांड, उपासना कांड ते फिर ज्ञान कांड। कर्म कांड शरीर ने करना है, उपासना कांड मन ने करना है, ज्ञान कांड फल है। इंज कह लो कर्म कांड बीज है, उपासना कांड शाखा ने ते ज्ञान कांड फल है। कर्म दा फल ही है ज्ञान। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी बाणी, ज्ञाने कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान भया तब कर्मे नास। फल कारण फूल ही बन राय, फल पाका तब फूल विलाय। फूल खिड़े ने फल नु जन्म देण लई,
और जैसे फुल दे चों फल निकलदा है, फुलां दा अंत हो जांदा है। जैसे ही ज्ञान दी प्राप्ति हुंदी है, कर्म कांड दी दुनिया रह जांदी है। अगर सारी जिंदगी कर्म कांड चल रहा है तो इतनी गल स्पष्ट है कि इस बंदे कोल ओ फुल है जेदे चों अजे तक फल नहीं निकले। और हकीकत दे च कुछ कर्म कांड ते ऐसे भी ने जिन्हां दे च वाकई फल दी प्राप्ति हुंदी ही नहीं। जिसनूं अजकल नानक मता कहिंदे ने, किसे वक्त इस अस्थान दा नां सी गोरख मथा। जद साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपने साथियां मरदाने इत्यादिक दे समेत पहुंचे ने गोरख मते दे च, तां योगियां ने आप दा सन्मान कीता ते मुखी सिरमोर जोगी लोहरीपा नाथ ने गुलाब दा एक फुल पेश कीता। मरदाना कहण लगा, पातशाह पहले सुमेर पर्वत ते या वटाले जिथे जिथे भी गया जोगी लंबी चौड़ी बहस करदे रहने, पर हुण इन्हां दा सुभाव बिल्कुल बदले आया है। हुण ते आप नूं वेख के प्रसन्न होके गुलाब दा फुल भेट कर रहे ने। पातशाह इन्हां दे सुभाव दे च तब्दीली आई है। सतगुर कहण लगे, फुल भेट नहीं कीता, एक सवाल अगों रखिया है। ये फुल सानू अर्पण नहीं कीता, इना समुचे जोगियां ने एक सवाल खड़ा कीता। मरदाना कहिंदा, पातशाह सवाल, हां इना ने सवाल खड़ा कीता है कि योग मत गुलाब दे फुल दी तरह है। इहदे च रिधियां सिद्धियां दी सुगंधी है, इहदे च संसारक पूजा प्रतिष्ठा दी सुंदरता है, इहदे च समाधि दी कोमलता है। और ये कह रहे ने कि गुरु नानक देव जी, तुसी आज तक ये योग मत धारण नहीं कीता, ते क्यों नहीं कीता? क्योंकि सिद्ध गोष दे च बकायदा इन्हां योगियां दे बचन भी मिलदे ने, दर्शन वेख करो जोगिंदरा, मुंदरा झोली खिंता, बारह अंदर एक सरे वो खट दर्शन एक पंथा। जोगी सारे दे सारे कहिंदे ने गुरु नानक देव जी महाराज नूं, अगर तुसी जोगी बन जाओ, मुंदरा धारण कर लो, झोली पहन लो, खिंता धारण कर लो, तो असी थानू जोगियां दा जोगिंदरा बना देंगे, भावनाथ बना देंगे, सारे ही थोड़ी ताबिया दे जो है रहेंगे। ਇਹ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ ਦੇ ਚ ਆਏ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲਮ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੋ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਇਹ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਆ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਕੋਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਫੁੱਲ ਦੇ ਚ ਸੁਗੰਧੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਸੁੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, पर नानक उस फुल दा पुजारी है जिस फुल दे चों फल भी निकले। ये फुल खूबसूरत जरूर है, पर किसी खूबसूरत ते मिठे फल नूं नहीं जन्म देंदा। गुरु नानक नूं केवल रिद्धि सिद्धि ते संसार दी पूजा प्रतिष्ठा नहीं चाहिदी, गुरु नानक नूं नाम दा फल चाहिदा। मैं जिंदगी दा आधार केवल नाम नूं ही समझदा, ते जिस कर्म दे च नाम रस नहीं, मेरे लिए ओ फुल है जेदे च कोई फल ही नहीं। ते मैनू इस तरह दे फुल नहीं चाहिए जिन्हां फुलां दे च फल नहीं है। तो योगी खामोश होए। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने बकायदा फरमान कीता है, कर्म भी ओ करना है जिस कर्म दे बीज दे चों ज्ञान निकले। जिस कर्म दा धर्म नाल संबंध नहीं, ओ कर्म पाखंड है। जैसे गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने, कर्म धर्म पाखंड जो दिसे, तिन जम जागाती लूटे, निर्वाण कीर्तन गाओ करते का निमक सिमरत जित छूटे। हुण जगत ते यही उपदेश दिता जांदा है, ऐ संसारियो कर्म धर्म करो, कर्म धर्म करो। ते गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे ने, फोकट कर्म ओ कर्म जिन्हां दे च ज्ञान नहीं, जिस कर्म दे च प्रभु दी भगती नहीं, जिस कर्म दे च नाम दा रस नहीं, ओ बीज ओ कर्म फोका है, फोकट है। कर्म धर्म पाखंड जो दिसे, इते पाखंड है, खंडित करेगा मन नू। दरअसल कर्म कांड ओही ठीक है जो मन नू अखंड करे, मन नू एक करे। ते जिस कर्म दे करदियां ही पाखंड खंड खंड दे च जीवना है, टुकड़िया टुकड़िया दे जीवना है। साहिब कहिंदे ने, ये ओ कर्म ने
जिन्हां दे चों ज्ञान दा फल नाम दा रस निकलदा ही नहीं, लिहाजा ए कर्म कांड पाखंड है। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा भी फरमान है, केवल कर्म भरम से चीनो धर्म करम अनरागो। भी चिंतन कर दे ओ ऐ परमात्मा दे पुजारी हो, केवल उना कर्मां दे आसरे ते जिड़े कर्म भरम ते खड़े ने, भाव जिस कर्म दे चों भी भरम निकलदा है, जिस कर्म दे चों ज्ञान नहीं निकलदा, जिस कर्म दे चों भक्ति रस नहीं निकलदा। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने चार पड़ाव दसे ने ते पंजवी मंजिल दसी। प्रथम आप कहने धर्म खंड, दूसरा ज्ञान खंड, तीसरा शर्म खंड, चौथा कर्म खंड ते पंजवा सच खंड, जो पड़ाव है जिथे तक मनुख दे मन ने, मनुख दे ध्यान ने, मनुख दी सुरत ने पहुंचना है। यात्रा आरंभ करनी पेगी धर्म खंड तो, पर हुण कोई मनुख यात्रा आरंभ कर चुके है ते वाकई ओ धर्म खंडी है, पहचान किस तरह होवेगी? दरअसल गुरु नानक दी सारी शिक्षा दीक्षा धर्म दी मन प्रति है। और साहब ऐसा भी कहने कि धार्मिक दिखाई दे जाना ये एक शिंगार है, ये कोई भी किसी तरह का शिंगार करके धार्मिक दिखाई दे सकता है, पर धार्मिक हो जाना एक बहुत वड्डी साधन है, एक बहुत वड्डी तपस्या है, एक बहुत वड्डी मेहनत है। साहब आप भी कहने उते मुशक्कत है, जिन्नी नाम ध्याया गए मुशक्कत घाल, बड़ी भारी मेहनत है, बड़ी जो है करड़ी मुशक्कत है। तो इसी तरीके नाल इस्लाम दे पहले पड़ाव दी पहचान हो जाती है भी शरा दे च आया है। और उपनिषदां दे ऋषियां दे मुताबिक जो कर्म कांड दे च आया है उन्हें यात्रा आरंभ कर दी। गुरु नानक देव जी महाराज कहने जो धर्म खंडी है उन्हें यात्रा आरंभ कर दी। पर हुण धर्म खंडी है ये किस तरह पहचान होवेगी? साहिब कहंदे ने धर्म खंडी अपने जीवन नू धर्म देंदा है, एक मर्यादा देंदा है, एक असूल देंदा है, एक विधि ते विधान देंदा है। और वो किस तरह देंदा है? उन्हों एक सूझ मिलती है, उन्हों एक समझ मिलती है सत्संग कर करके कि जगत विच जो कुछ भी हो रहा है सब विधि पूर्वक हो रहा है, सब विधानक ढंग नाल हो रहा है। साहब उसका ही निखेड़ा इस पावन पवित्र पौड़ी दे करते ने, राती रुत्ती थिती वार पौन पानी अग्नि पाताल। ए रातां ए रुत्तां ए थित ए वार ए दिन दिहाड़े किसे विधि विधान दे मुताबिक गर्दिश दे चने चल रहे ने। साहिब परिपूर्ण परमात्मा ने एक अटल नियम असूल बना दिता है, उसकी उलंघना नहीं हो सकती। अगर कोई लख कोशिश करे कि अग्नि दे चों ठंडक मिले ते बर्फ दे चों तपश मिले, ऐसा हो नहीं सकता। सूरज दे चों अंधेरा मिले और चंद्रमा दे चों जलन मिले, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हर एक ने अपने अपने नियम दी पालना करन वास्ते उस परिपूर्ण परमात्मा ने ड्यूटी ते लाए हुए ने, सेवा ते लाए हुए ने। तो साहब कहंदे ने जिस तरह ये रातां रुत्तां थित वार नियम पूर्वक चल रहे ने और अपनी ड्यूटी निभा रहे ने, इसी तरीके नाल पवन ते पानी ते अग्नि ते पाताल किसे नियम ते खड़े ने, भाव उपर दी धरती थल्ले दी धरती किसे विधानक ढंग दे नाल खड़ी है, किसे असूल ते खड़ी है। एक सियाणा बंदा धर्मखंडी बंदा जद वेखदा है ग्रह नक्षत्रां दे उत्ते निगाह मारदा है वे लाजमी किसे विधानक ढंग नाल ए टिके होया है। देखो ट्रैफिक दे रूल होंदे होया, यातायात दे नियम होंदे होया भी अणगिणत एक्सीडेंट हो जांदे ने, टकराव हो जांदे ने। हजारा नहीं अरबां खरबां ग्रह नक्षत्र सूरज चंद तारे जो आवास तो भी तिखे चल रहे ने, पर मजाल है किधरे टकराव होवे तो लाजमी कोई विधि है, कोई विधान है, कोई नियम है, नहीं तो सारे टकरा जान और सारे आज खत्म हो जान। जबकि देखते हैं कि मनुख दे बनाए हुए नियम दे बावजूद, मनुख दी मर्यादा बनाई हुई दे बावजूद एक्सीडेंट हो जाते हैं, टकराव हो जाते हैं। तो इत्थे मनना पेगा कि अगर मर्यादा है ही नहीं तो हुणे ही धरती किसी ग्रह नाल टकरा जाए, हर ग्रह एक सैकंड दे सारे टकरा के फना हो जान, नहीं अणगिणत सूरज मंडल ए अणगिणत ग्रह नक्षत्रां दा मंडल जो बहुत तिखी गर्दिश दे चाहे
पर टकराव नहीं है, ये लाजमी कोई विधि है, विधान है। तो साहब कहते ने सब कुछ विधानक ढंग दे नाल चल रहा है। तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, पौन देच पानी देच अग्नि देच पाताल देच, और रातां रुत्तां थित्तां वारां देच, उस परिपूर्ण परमात्मा ने जीवां दे धर्म कमाण लई ਇਹ ਧਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਧਰਮਸਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਸੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। जैसे कोई विद्यार्थी एक क्लास विच इम्तिहान देवे, फेल हो गया तो उसे ही बैठना पड़ेगा, अगे वधना उसनू नसीब नहीं होवेगा। तो इत्थे धरती जो धर्मशाल है, इत्थे इम्तिहान की है मौत। मौत दस देगी जिंदगी सफल हुई है या नाकाम हुई है। भगत कबीर कहंदे ने कि चले जुआरी दोए हथ झार, ये दोवे हथ झाड़ के जा रहे हैं। मौत दस रही है जिंदगी खाली रही, जीवन खाली रहा, कुछ भी नहीं है। तो मौत इम्तिहान है, अगर मौत आ रही है, मनुख दुखी है, बेचैन है, मोह वद्दा जा रहा है, संताप वद्दा जा रहा है, तो गल स्पष्ट हुई, इस जीवन तो उच्चा जीवन इसनु नहीं मिले, इस संसार तो कोई उच्ची दुनिया इसनु उपलब्ध नहीं हो सकी। इस वास्ते इसे ही संसार विच रहेगा। मनुख नूं उतने चिर तक इसे ही संसार विच रहना पैंदा है जितने चिर तक इस संसार तो उच्ची दुनिया लभदी नहीं। जितने चिर तक विद्यार्थी उच्ची क्लास विच ना जाए, कामयाब ना होवे, उन्हूं नीवी क्लास विच रहना ही पैंदा है। बार बार इस धरती ते आवना इस गल दा सबूत है कि मनुख बार बार फेल हुंदा रहा है। भगत कबीर कहंदे ने बहुते फेर भय किरपन को अब किछ किरपा कीजे। ये अकाल पुरख बहुते फेर हो चुके ने, बहुत दफा इसे धरती ते मैं रह चुके हैं, अगे वधना मैनू नसीब नहीं होया। जबकि गुरु अर्जन देव जी महाराज प्रेरणा देंदे ने अगांकु तरांग पिछा फेर न मोड़ा, ये धर्म कमाण दी जगह है ते तू इत्थे ही घर बना के बैठ गया, इत्थे टिक के बैठ गया, अगां वधण दा नां नहीं लै रहा। साहिब कहंदे ने ये जीवां दे धर्म कमाण दी जगह है। धरती दे जनसंख्या का वध जाना इस गल का सबूत है कि मौत दस रही है ये जीव फेल हो गया, तो मुड़ के फिर इत्थे आ रहे हैं। ते कुछ पशु जूना पशु तन नू त्याग के विकास कर दिया हुई मनुख बन रही ने, उन्होंने भी इस धरती ते विचरना है। ते मनुख मर के फिर मनुख बन रहा है, अगा नहीं जा रहा, मुक्ति प्राप्त नहीं हो रही। तो इस ढंग नाल सहजे सहजे जनगणना वधी जा रही है, वधी जा रही है, और वधण दा ए एक मूल कारण है धार्मिक दृष्टिकोण दे मुताबिक। अगर इस जीव ने मोक्षी नहीं होना, अगर इस बगदी हुई धारा ने सागर विच लीन होके सागर दा रूप ही नहीं बनना, तो इसने रस्ते दी जमीन नूं थां थां ते छप्पड़ बन के घेरना है, तालाब बन के घेरना है। तो धरती दी जनसंख्या वधण दा धार्मिक दृष्टिकोण के अनुसार यही कारण है कि मनुख मर के फिर इस धरती ते आ रहा है। ते पशु जूना सहजे सहजे पशु तन त्याग के विकास कर दिया हुई मनुखा तन प्राप्त कर रही ने, और इस ढंग नाल जनगणना वधी जा रही है। जैसे विद्यार्थी बार बार फेल होंदा रहे और सारे फेल होंदे रहन ते नवे दाखला लेंदे रहन, तां क्लास दे ते बहुत भीड़ हो जाएगी, बहुत भीड़ हो जाएगी। धरती दी भीड़ इस गल दा सबूत है कि मनुख दी सुरत अगानू जो है नहीं जा रही। तो साहिब कहंदे ने ए जीवां दे धर्म कमाण दी जगह है केड़ी, ए धरती। तिस विच जी जुगत के रंग, इस दे विच जीवन दियां अणगिणत जुगतियां ने, जीव बथेरे ने पर एक जुगती नाल नहीं जीवदे। जैसे कई जीव ने चौपाए जानवर उस जबान नाल चट के ही पानी पींदे ने और मांस खांदे ने, घास नहीं खा सकते। भुखा मर जाएगा शेर, घास नहीं खाएगा, और भुखी मर जाएगी गऊ, मांस नहीं खाएगी। इन्हां दियां जीवन जुगतियां परिपूर्ण परमात्मा ने नाल निश्चित कर दित्तियां ने। इस वास्ते कहा जांदा है कि पशु भोग जून है,
ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕਰਮ ਯੋਨ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਕਰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤੀ ਵੀ ਬੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਸੇ ਦੇ ਚ ਹੀ ਮਜਬੂਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤੀ ਸਵੈਮ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਗਰਸ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਉਗਤੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਵੈਮ ਲੱਭਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੰਗ ਨੇ ਤਿੰਨਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ ਰੂਪ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ ਰੰਗ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਹੈ ਹੀ ਕਰਮ ਯੋਨ ਇਹ ਭੋਗ ਯੋਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕਰਮ ਯੋਨੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਭੋਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੀ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਕਰਮ ਉਹੀ ਸ਼ੁਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਸ ਮਿਲੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗਿਲਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੇ ਅਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਹੈ ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਿਆਂ ਸੱਚਾ ਹੈ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਸੋਹਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਮਾਨ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਵਾਇਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਪੰਚ ਜਨ ਸਿਰਮੌਰ ਮਨੁੱਖ ਕੌਣ ਸੰਤ ਜਨ ਭਗਤ ਜਨ ਇਹ ਪੰਚ ਨੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਚ ਨੇ ਸਿਰਮੌਰ ਨੇ ਮਹਾਨ ਨੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੇ ਨਹੀਂ ਸਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦਿੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੈਸੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਜੜਾ ਲਧਮ ਲਾਲ ਮੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਥਿਆ ਕ੍ਰੋਧ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਭ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਗਤੀ ਰਸ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਸਤਕ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਲਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਪਤ ਲਾਲ ਨੂੰ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਛੁਪਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਵ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਜੜਾ ਲਧਮ ਲਾਲ ਮੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਥਿਆ ਅਨਗ ਜਤਨ ਕਰ ਹਿਰਦੇ ਰਾਖਿਆ ਰਤਨ ਨਾ ਛਪੇ ਛਪਾਇਆ ਸੋ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਸਤਕ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਤਕ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਟਿੱਕਾ ਜਿਵੇਂ ਮਸਤਕ ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾਈਦਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉੱਥੇ ਪਾਏ ਕੌਣ ਕੱਚਾ ਹੈ ਕੌਣ ਪੱਕਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੱਚਾ ਹੈ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਪੱਕਾ ਫਲ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੱਕਾ ਸੰਤ ਹੀ ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੱਚਾ ਸੰਤ ਜੋ ਅਜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੱਕਾ ਸੰਤ ਜੋ ਨਾਮ ਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਕੱਚਣਿਆਂ ਸਿਉਂ ਤੋੜ ਢੂੰਡ ਸਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆ ਕੱਚੇ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤਸਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੰਗ ਦਿਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਜਦ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਭਗਤੀ ਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਕੱਚਾ ਹੈ ਕੌਣ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕੌਣ ਸੰਤ ਹੈ ਕੌਣ ਅਸੰਤ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੇ ਜਾਏ ਜਿਸਨੇ ਹੁਣ ਮਰ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕੌਣ ਕੱਚਾ ਹੈ ਕੌਣ ਪੱਕਾ ਹੈ
ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਨਰਕਵਾਸ ਹੋਇਆ, ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਵੀ ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਸੱਚਖੰਡ ਮਰ ਕੇ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਜੀਵਦਿਆਂ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚਖੰਡ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੈਣੀ ਕਹੇ ਸੁਨੋਰੇ ਸੰਤੋ ਮਰਨ ਮੁਕਤ ਕਿਨ ਪਾਈ। ਹਾਂ, ਮੌਤ ਮਰਨਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜੀਵਿਆ ਕਿ ਝੂਠ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜੀਵਿਆ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜੀਵਿਆ ਕਿ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜੀਵਿਆ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਵਿਧਾਨਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੋਣਾ ਜਾਗਣਾ ਪਹਿਣਾ ਹਤਾ ਕੇ ਹੱਸਣਾ ਤੇ ਰੋਣਾ ਸਭ ਵਿਧਾਨਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਦੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਹੱਸਣ ਤੋਂ ਰੋਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਔਰ ਉਸਦੀ ਦਿਨ ਭਰ ਦੀ ਚਰਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਮਟੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੈਸੇ ਨਦੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੋ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੀਵਨ ਧਾਰਾ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਨੇਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖੇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਈਆਂ ਲਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੂਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਵਿਧਾਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਖੰਡੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਸਰਮ ਕਰਮ ਤੇ ਸੱਚ।